17 जून 2023 को ओशियन गेट टाइटेन सबमरीन अपने सफर पर निकलता है और इसे जिस लोकेशन पे जाना है वह कनाडा के सेंट जोन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में है। इवन इसका सफर कनाडा के ही न्यूफाउंडलैंड से शुरू होता है जिसमें 5 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी नेटवर्थ कई मिलियंस ऑफ डॉलर है और ये 5 लोग एक ऐसे जहाज के मलबे को देखने के लिए जा रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, जिसको देखने के लिए अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में करीब 4000 मीटर की गहराई में जाना पड़ेगा। वेल, यह सबमरीन जब ओशियन में ड्राइव करती है तब सारी चीजें नॉर्मल होती है, बट यह सबमरीन जैसे ही 2 किलोमीटर नीचे जाती है तब अचानक से इसमें एक इम्प्लोजन होता है जिसके बाद ऊपर खड़े मदरशिप से इस सबमरीन का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, जब सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ तो उसमें बैठे हुए 5 लोगों के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाली है। वेल, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ और इस टाइटेनिक शिपरेक टूरिज्म की शुरुआत कैसे हुई। A Canadian search plane is giving new urgency to the search for that submersible lost. A submersible vessel which takes people to see the wreck of the Titanic. तो दोस्तों, आज के समय में लोग जिस मलबे को देखने के लिए जा रहे हैं उसकी शुरुआत 1912 से होती है जब टाइटेनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब जाता है, जिसके बाद कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स इसके मलबे को ढूंढने के लिए लग गए। उन्होंने कई सालों तक शिप के रेक को खोजने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं था कि अटलांटिक ओशियन के इतने गहरे पानी में जाकर टाइटेनिक को खोजा जाए जहां पर ना ही कोई सन की लाइट आती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इवन इन सबके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का प्रेशर ऑन एवरेज 5000 PSI होता है, जो एक ह्यूमन बॉडी को चंद सेकंड में मसल कर रख देगी। वेल, इन सब के बावजूद साल 1985 में आखिरकार टाइटेनिक के मलबे को खोज लिया गया जो अटलांटिक ओशियन के करीब 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ था, जिसे खोजने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट बेलार्ड थे। इवन रॉबर्ट बेलार्ड ने उस समय न केवल टाइटेनिक को खोजा था बल्कि उन्होंने US के 2 सबमरीन्स को भी खोजा था जो 1960s में अटलांटिक ओशियन में गायब हो चुकी थी। खैर, जब टाइटेनिक के रेक को खोजा गया तो सारे कंट्री के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स टाइटेनिक के मलबे के पास आने लगे और इन्हीं में से एक थे जेम्स कैमरॉन, जो एक फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने 1995 तक टाइटेनिक शिप के रेक को करीब 33 बार जाकर देख चुके थे। वेल, अब जाहिर था कि जेम्स कैमरॉन के पास टाइटेनिक से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिसके बाद 1997 में टाइटेनिक मूवी को बनाकर रिलीज किया गया। जब टाइटेनिक मूवी रिलीज हुई तो इस मूवी को काफी मात्रा में लोग देखने लगे। इवेंचुअली इस मूवी को इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया था कि इस मूवी को देखने के बाद कई लोगों का ड्रीम बन चुका था टाइटेनिक के मलबे को देखने का। यानी अब टाइटेनिक के रेक को एक रिसर्च के नजरिए से नहीं बल्कि एक टूरिस्ट प्लेस के नजरिए से देखा जाने लगा। इवेंचुअली अब धीरे धीरे कई कंपनियां टाइटेनिक रेक को टूरिज्म कराने के लिए सबमरीन्स को स्पेशली मॉडिफाई करने लगी, जिनमें से एक थी US की कंपनी ओशियन गेट, जो लोगों को सबमरीन्स की हेल्प से टाइटेनिक रेक का टूरिज्म करवाने लगी। वेल दोस्तों, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि कैसे टाइटेनिक रेक टूरिज्म की शुरुआत हुई। खैर, अब आइए समझते कि कैसे ओशियन गेट सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ जिसमें 5 टूरिस्ट बैठ करके जा रहे थे। तो इवेंचुअली दोस्तों, जब टाइटन सबमरीन ओशियन में ड्राइव करती है तो नॉर्मली उसको यहाँ से टाइटेनिक तक पहुँचने में बेसिकली 2 hours का समय लगता है, लेकिन इस बार 1 घंटा 45 मिनट पर ही ऊपर खड़े मदर पोलर प्रिंस से इस सबमरीन का कनेक्शन टूट जाता है। इवन आपको बता दें कि पोलर प्रिंस यहाँ पर एक कंट्रोल रूम की तरह काम करता है, जैसे प्लेन्स में ACT होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो प्लेन से कनेक्टेड होते हैं जिनकी हेल्प से पता चलता है कि कौन से प्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। इवन ठीक इसी तरह मदर पोलर प्रिंस होते हैं जो सबमरीन्स की लोकेशन को ट्रैक करने का काम करते हैं। खैर, जब टाइटन सबमरीन से कनेक्शन लॉस्ट होता है तो लोग इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि समुद्र में ऐसे सिग्नल्स का टूटना आम बात होगी। लेकिन जब 7 घंटे बीत चुके थे और टाइटन सबमरीन का कोई अता पता नहीं चल रहा था, तब ऊपर खड़े मदर शिप में जो मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनको अब घबराहट होने लगती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है कई लोग के पसीने छूटने लगते हैं। वेल, अब ये बात सबको पता चल चुकी थी कि सबमरीन का कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, जिसके बाद अमेरिकन कोस्ट गार्ड और कनाडा के पोलर प्रिंस ने टाइटेन सबमरीन को ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके अगले दिन से हेलीकॉप्टर का भी यूज किया गया जो ओशियन के ऊपर खोज रही थी। साथ ही सोनार का भी यूज किया गया जो समुद्र के हर एक सतह को तलाश रही थी। इन सब के अलावा आसपास के सारे कमर्शियल जहाजों को इस रिसर्च में हेल्प करने के लिए कहा गया और यह रिसर्च पूरे 2 दिन तक चला, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला था कि सबमरीन के साथ क्या हुआ। इवन कई लोगों को लगने लगा था कि अब शायद
सबमरीन का मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर तरीके अपना लिए गए थे टाइटेन सबमरीन को खोजने के लिए। इवन अब 3 दिन हो चुके थे सबमरीन को गायब हुए और अभी तक रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने 21 जून को आरोही को टाइटेनिक के मलबे के पास भेजा गया, लेकिन जब आरोही टाइटेनिक के मलबे के पास पहुंची तो सारे लोगों की सांसें तेज हो चुकी थी क्योंकि आरोही को सबमरीन का पिछले पार्ट का हिस्सा टाइटेनिक से करीब 1600 फीट की दूरी पर पड़ा मिला। यानी अब साफ हो चुका था कि जो लोग सबमरीन में सवार थे वे लोग अब इस दुनिया को अलविदा बोल चुके थे। इवेंचुअली सबमरीन में जो 5 लोग बैठे हुए थे उनमें से एक ओशियन गेट के ही सीईओ थे जिनका नाम स्टॉक्सन रस था। दूसरे नंबर पे हमीस हार्डिंग थे जो एक्सिस एविएशन का फाउंडर थे। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी थे जो 77 साल के हो चुके थे जिनको ऑलरेडी टाइटेनिक रेक के बारे में काफी जानकारी थी क्योंकि ये पहले भी आ चुके थे। इन सबके अलावा आखिरी में पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन शहजाद दाऊद जो अपने बेटे सुल्मान दाऊद के साथ इस सबमरीन में सवार थे। वेल ये लोग कहां टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए गए थे आज पूरे दुनिया में इन्हीं लोग की चर्चा हो रही है। वेल एक्सपर्ट्स का कहना है कि समुद्र में इतना ज्यादा प्रेशर था कि इस टाइटेन सबमरीन में इम्प्लोजन हो गई। लेकिन दोस्तों यहां पर इम्प्लोजन और एक्सप्लोजन में काफी अंतर है क्योंकि एक्सप्लोजन बम के फटने जैसा होता है, लेकिन इम्प्लोजन बेसिकली जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है तब वो इम्प्लोड कर जाती है। वेल अगर सबमरीन में इम्प्लोजन हुई है तो इतना तो था कि सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं झेल पाई है। लेकिन अब यहां पर सवाल उठता है कि कितना प्रेशर हुआ था कि सबमरीन इम्प्लोड कर गई, क्योंकि जब टाइटेन सबमरीन को बनाया गया था तब उसे 10 RPSI पर टेस्ट किया गया था जिसमें वह पास हो गई थी। यानी अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि पानी का प्रेशर 10 RPSI से ज्यादा हुआ होगा या फिर समुद्र के नीचे तमाम किस्म की फोर्स होती है जो सबमरीन पर एक साथ फोर्स लगाई होंगी जिसकी वजह से इम्प्लोजन हो गई होगी। लेकिन जब सबमरीन में इम्प्लोजन हुआ होगा तो उसमें बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि यह इम्प्लोजन माइक्रो सेकेंड में हुआ होगा। यानी आप सोच सकते हो कि उस सबमरीन में बैठे हुए लोगों के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन दोस्तों कई लोगों का कहना है कि जो इंसिडेंट इस सबमरीन के साथ हुआ है वह बहुत साल पहले एक स्टोरी में प्रिडिक्ट कर दिया गया था। आप स्क्रीन पर इस इमेज को देख सकते हो जिसका नाम है सिम्पसन शो, जिसमें बेसिकली दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग टाइटेनिक के मलबे के पास गए हुए हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो चुका है। वेल आप इंसिडेंट को सेम तो नहीं बट आप इसके सिमिलर जरूर कह सकते हो। खैर अगर आपको मौका मिले टाइटेनिक रेक के पास जाने का तो कि आप जाना चाहेंगे या नहीं कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। वेल अगर मैं बताऊं तो अभी के लिए 90% लोग एक्चुअल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा लोग फिर से टाइटेनिक के मलबे को देखने के लिए जाने लगेंगे, क्योंकि ह्यूमंस का एक कॉमन नेचर होता है कि वो प्रेजेंट के हिसाब से सोचता है और प्रेजेंट के हिसाब से कोई काम करता है। क्योंकि आप खुद ही देख लो कि जिस जहाज में हजारों लोगों की जान चली गई आप उसी जहाज को देखने के लिए जा रहे हो और अनफॉर्चुनेटली आपकी भी डेथ हो जा रही है। वेल दोस्तों ये थी मिस्ट्री ऑफ टाइटेन सबमरीन, बट आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आप टाइटेनिक शिपरेक के पास जाना चाहोगे या नहीं।